नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कृतिका का पाठ नंबर 3, साना साना हाथ जोड़ी, जो मधु कंकरिया जी ने लिखा है। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं कि चैप्टर में क्या कहानी है, मधु कंकरिया जी ने क्या लिखी है, तो देख लेते हैं हम लोग। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उलट पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधिस्थल पर खड़ा मेहनत कसबत साहो बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम था। जो गैंगटोक शहर है वो बहुत ही सुंदर था उस समय, और रहस्यमय सितारों भरी रात मुझमें सम्मोहन जगा रहे थे। सम्मोहन मतलब होता है जादू, किसी को वशीकरण करना, वशीभूत हो जाना किसी के, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरे आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतींद्रियता में डूबी रोशनी की जादुई झलक। अतीनता मतलब इंद्रियों से परे। धीरे धीरे एक उजास मतलब उजाला होता, प्रकाश होता, उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना। हमरो जीवन तिमरो कौशली, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। इसका मतलब ये, हमरो जीवन तिमरो कौशली। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमने युमथांग के लिए निकल पड़ना था। आंखें खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा ना दिखती थी ना दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों की बाग में आ गए। रकम रकम मतलब भिन्न भिन्न है। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घंटिया घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। आपको ड्राइवर कम गाइड जितने नरगे मुझे बता रहा था। जो ड्राइवर है उसका नाम है जितेन नारगे, ठीक है, नाम याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। क्या वहां बर्फ मिलेगी, मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगी। बचकाने मतलब बचपन में किया जाने वाले क्वेश्चन को बचकाने कहते हैं। चलिए, तो जगह जगह गदराई पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे थे। एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं, किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक की ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नारगे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। 108 श्वेत मतलब 108 श्वेत मतलब सफेद है, पताकाएं मतलब झंडिया फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नारगे बोलता जा रहा था, मेरी नजर उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोला खाती हमारी जीप थोड़ी आगे और बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कविलोंग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीफ बे बमसन ने लेपचाओ के सोमेन के कुंज तेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है कि तिब्बत और चीफ के किन किन लोगों के साथ में जो है संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये हम जो है बता दे रहे हैं। एक पत्थर या स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम, इन दोनों के स्थानीय जातियों के बीच चले
सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआत स्थल पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट पार्ट है, मेंशन करते चलिएगा आप लोग। उन्हें रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र, या क्या? नारगे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर रिफिल, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, चाहे मैदान हो या पहाड़। तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। रफ्ता रफ्ता मतलब होता है धीरे धीरे, रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब पैदल से के चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून धोते बौने से दिखने वाले बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों के ताश के घरों की तरह पेड़ पौधे के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ था आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम हिमालय पल पल बदलते थे। हिमालय क्या, जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे अपनी जीप के साथ में, तो हिमालय जैसे जैसे पास आता जा रहा था उसका स्वरूप बदलता जा रहा था, और देखते देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घाटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी, वादियां चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। शिद्दत मतलब होती दिलों से, ठीक है, बहुत ही मन से। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच छिलकुले खाते निकल रहे हों। ये आप देख सकते हैं हिमालय पर्वत, ठीक है, यहाँ पे बना हुआ। अरे आओ यार, इसमें बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाना गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंड की मतलब सर होता है, निकाल निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह जल जल गिरते जलप्रपातों को। जलप्रपात मतलब झरने होते हैं, तो कभी नीचे पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ ही यह तीस्ता नदी, यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पड़ता, पराकाष्ठा मतलब उच्च होता है, उच्चतम। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़ियों के पंख की तरह हल्की थी। मेरे नगपति मेरे विशाल, ये हिमालय के लिए यूज किया गया, मेरे नगपति मेरे विशाल। नगपति हिमालय का एक पर्यायवाची है, मेंशन करते चलिएगा अपने में, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन पर्यायवाची हिमालय का है या नहीं है, तो नगपति जो है वो पर्यायवाची। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए, तभी जीप एक जगह रुक गई। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। अगर आप कभी गए होंगे, जो जिसने सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स देखा होगा कमेंट करिएगा मुझे, ठीक है। फ्लैश चमकने लगे, सभी सैलानी इस खूबसूरत लम्हों को रंगत कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। मशगूल का मतलब होता है कि व्यस्त रहना, उसको मशगूल कहते हैं। आदमी की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ आत्मा के संगीत सुनने लगे। अभिशप्त मतलब होता है शापित होना, ठीक है, जिसको श्राप दे दिया जाता होता। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग के मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अंततः का प्रतीक वह झरना उन अनूठे क्षणों में मुझसे जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इसका जैसे हुआ जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा में बहने लगूं। सरहदें मतलब होती सीमाएं। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई हूँ। तामसिक मतलब होता है बेकार की जो भावनाएं होती हैं, ठीक है, और वासनाएं जो होती हैं वो आप समझ सकते हैं कि तामसिक मतलब तमोगुण से और कुटिल, ठीक है, और जो है वासनाएं मतलब बुरी इच्छाएं।
हमल हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेंद्र मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी, थोड़ी देर बाद फिर वही नजारे आंखों के सामने, आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक रंग हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छुमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है कि कब बादल छा जाएंगे आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति ने जैसे मुझे सयानी बनने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुड़ी थी। सयानी मतलब होती है थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, बड़ा हो जाना, ठीक है, मिच्योर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वही। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहां पहाड़ नहीं थे, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए वहां रुकवा दी गई थी। मैंने गगन घुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। जन्नत मतलब होता है स्वर्ग। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों की घाटियां और वादियों के दुर्लभ नजारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठी धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा, मध्यम मध्यम मध्यम, धीरे धीरे हिलोरे लेते पीयूषा और रूडोडेंड्रॉन के फूल। ये दोनों पीयूषा और रूडोडेंड्रॉन के फूल ये प्रजाति हैं फूलों की। सब अपनी अपनी लय तान में प्रवाह में बहते हुए चरते चरते, और समय के इस सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। चलते चलते का मतलब होता है कि बहते हुए, धीरे धीरे मतलब बहते हुए, वजूद मतलब होता है जो अक्ष होता है वो उसको बोलते हैं, ठीक है। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलाए मान सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होंठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी, तभी वहां अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सुखी टहनी सा टूट गया। कहने लगे कुछ ऐसा हुआ जिससे जो है वो भाव था वो टूट गया। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंदिल अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल के आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधि भाव नृत्य करती किसी आत्मविलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए। नृत्यांगना मतलब होता है नाचने वाली, नुपुर मतलब होता है घुंघरू। ये दोनों चीजें आप लिख लीजिएगा। मैंने देखा कि इस अद्वितीय सौंदर्य के निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आटे सी कोमल काय पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों के पेट पर बंधे डोको मतलब बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल और भरपूर ताकत के साथ जमीन पर पत्थर मार रही थी। आपको याद होगा कविता, आप लोगों ने पढ़ी होगी कभी ना कभी, वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, शायद हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये वही स्थिति है यहाँ पर भी जो लेखक महोदय बता रहे हैं। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, धन और जिंदा रहने की यह जंग, मातत्व और संसाधना साथ साथ। वहीं पर खड़े बीआरओ बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है? उसने चूहड़बाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिमशिखरों से टक्कर लेने जा रहे हैं उन्हीं रास्तों की ये पहाड़ ने चौड़ाई बना रही है। ये पहाड़ी ने जो है काम कर रही, पत्थर तोड़ रही हूँ, रास्तों को चौड़ा कर रही है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। मैं संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान चली गई थी। बड़ा दुसाध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट की चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, डायनामाइट को चट्टानों में लगा दिया जाता है और फिर जो है उनको ब्लास्ट करके तोड़ा जाता है। वही कह रहे हैं, पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ तोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में
उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिछाकर कई रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है, जरा सी चूक और सीधा पाता प्रवेश। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों से एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताजुब करेंगे, इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव, ये देख लीजिए, ये जो पत्थर की बात कर रहे हैं, झरने की वो है, के पांव, इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथ पांव में ठाठे। क्या होता है कि जब आप काम करते हैं तो उंगलियों के पास में जो पड़ जाती है, एक मोटी सी स्किन हो जाती है, उसको ठाठे कहते हैं, ठीक है। एक ही कहानी कह रहे थे कि आप जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी ही है, कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू अभाव यातना और वंशजा एक तरफ। और तभी मेरे सहयात्री मनी और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे गमगीन देखा, जितेन कहने लगा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, इसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आए हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है, वेस्ट एट रिपेइंग है, कितना कम लेकर के ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। मन ही मन सोचा मैंने, हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे थे, तभी मैंने देखा कि वे श्रम सुंदरिया किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी कि जीवन लहरा उठा और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था कि अब हर मोड़ पर हेयर पिन बैंग लेंग और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा है, ऐसा रास्ता है, और हम तेजी से पहाड़ों पर हेयर पिन बैंड के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा, 7-8 वर्ष की उम्र में ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर जो बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूली बस नहीं है? मड़ के पूछने पर जितेन हंस पड़ा, मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, मैदान की तरह यहाँ कोई आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा, बर्फीला मतलब होता है बड़े हुए पेट वाला, ठीक है। यहाँ जीवन कठोर है, नीचे की लेकर ले देकर एक ही स्कूल है, दूर दूर के बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं, और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें अधिकांश बच्चे शाम को अपनी माओ के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल की लकड़ियों से भारी भारी गट्ठर ढोते हैं, खुद मैंने भी ढोए थे। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था, रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे, कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है। कह रहे कि आगे बढ़ रहे थे और रास्ते जो है सकरे होते जा रहे थे, जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसकते तो हम सीधे घाट में हैं। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनी भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन इटर अराउंड, हमें निर्भक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले हैं। सूरज ढलने लगा था, हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी, कुछ के सिर पर लकड़ियों से भारी भरकम गट्ठर थे, ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी, फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा, नीचे चाय के हरे हरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, सिक्किम परिधान को बोकू बोलते हैं, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा, एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि
कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असहाय था। युंगथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। रंगचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम मतलब धीरे धीरे हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी घुंघरुओं की झुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का हल्का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही शांत सुख शांति और सुकून है जहां अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपने अपने लय ताल पर गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति को लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। अक्षम्य मतलब होता है क्षमा न कर सकने वाला। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। दर्शन मतलब देखने योग्य जो भी चीजें होती है उसको दर्शन कहते हैं। अंधेरा होने से पहले किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थर से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजलि में भरा तो अतीत के भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौन था हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, हलाहल मतलब होता है विष, सारी तांत्रिकताएं मतलब बुरी आदताएं बह जाएं। इसी बहती धारा में रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। काला कंबल मतलब रात हो गई थी। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने इसे उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते ही देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सिमोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता में ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। संक्रमण मतलब होता है फैलाव। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया। ये सब आवाज उसे देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहां से आता था इतना आनंद। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी। तिस्ता नदी की शांत धारा के सामने ही कलकल बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल क्या होता है, एक लेवल होता है, आपने नदी वगैरह में देखा होगा या समुद्र में जो है मतलब कहीं नदियों में है या फिर जब पुल वगैरह बने होते हैं उस पर लिखा रहता है कि सी लेवल से इतना ऊपर है, 14 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों में हैं, लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नव युवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां सर्दियां बर्फ मिल जाएगी। सर्दियां मतलब हर हाल में, कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया। सुर्खियों मतलब होता है कि आप जानते हैं, सुर्खियां मतलब कि जो क्या बोलते हैं उसको, सुर्खियां मतलब नीचे अर्थ होगा मैं बता दूंगा, एक्चुअल में मुझे उसका अर्थ नहीं याद आ पा रहा। सुर्खियां मतलब होता है चर्चा में। हाँ, और मैंने अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लियोंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। वानायोग में उसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लड़के के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ कर लिया। गुड़ मतलब निकल लेना या खा लेना। मीठी झड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर। कटाव का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश, जिससे लगभग अंदाज से गाड़ी
चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत। सब कुछ बादल में, बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था और उस पर बारिश, एक चूक और सब खल्लास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज के सिवाय आसपास का जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, कह रहे कि अगर आप मैरिड हैं तो आप स्पीड अपनी कम कर दीजिए। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी, और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच सन्नाटा भी हटा। नारगे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घुमाई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो, कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नारगे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेंद्र ने पूछा, मैंने उछलकर जवाब दिया, रामा रोचू, मतलब कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहां से सीखी, अपनी भाषा से गर्व उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा ऐसाने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिमरो माया संदेह मलाई सतामुझ, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहु और बर्फ बिखरी बर्फीली सुंदरता जितेंद्र के मन पर बिथाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम कर वह गाने लगा था। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यह बर्फ सावधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ, ऊपर आसमान और बर्फ से ढके हुए पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को अपने कैमरे में कैद करने में लगे थे। मेरे पांव झनझन करने लगे थे, मन पर वृंदावन हो रहा था, भीतर जैसे देवता जाग गए। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाव, यूंगथाम और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। स्पॉट मतलब होता है प्लेस, ठीक स्थान। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या कोई दुकान भी नहीं थी। खैर, दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे प्रदेश को अपने भीतर लगातार खींच रही थी जिसने महानगर के डार्क रूम के इसे फिरे फिर देख सकूं। संपूर्णता उन क्षणों के या हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्ति सुखन का महामंत्र पाया होगा, अंतिम संपूर्णता का प्रतीक व सौंदर्य। ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए कहे करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। कहने लगे, अगर कोई अपराधी भी ये सारी स्थिति को देख ले जो वहां का है दृश्य, तो वो भी जो है बुद्ध बन सकता था। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरे को अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता, पर मन ने उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जलस्तंभ हैं, पूरे एशिया के
देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राहि त्राहि मचती है तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को त्रावट पहुंचा। त्रावट पहुंचाना मतलब प्यास बुझाना। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत होकर माथा नवाया। माथा नवाना का मतलब होता है झुकाना। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिमशिखरों का, संसार कितना सुंदर है। तो अपने जागते उन लम्हों में मैंने सोचा। पर तभी उदासी की एक झीनी सी पर मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर की चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाई ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। वह हंस दिया एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सकें इसलिए हम तो हम यहां पहरा दे रहे हैं। भेरी बेटुला फिर मिलेंगे। कहते हुए जितेंद्र ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर देखिए एक फौजी सामने जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, फिर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन सकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों की अपनी जीवन अपनी मियाद के पहले पूर्व ही खत्म हो गया। मियाद मतलब होता है समय। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतन और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर इम्फाल की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा ताजा आया था। इम्फाल की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था, ढेरों ढेर पीएचटू और रोडोस्टोन के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी है। यह रास्ता अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब यूहां पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद इम्फाल थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांच होता है मंजिल तक का सफर। बहरहाल इम्फाल में चीफ बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा से इस कदर घुल मिल गया है, लगता है ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए तो एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मन ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, भौंकते नहीं, सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वर जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियां देता है। रकम रकम मतलब भिन्न भिन्न। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ी पर गंदगी नहीं फैलाते, उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है, मैंने कहा। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंगटोक कहिए, इसका असली नाम गंगटोक है। गंगटोक का मतलब है पहाड़। कुछ पूछती की वह फिर चालू हो गया। मैडम, इम्फाल भी पहले टूरिज्म स्पॉट नहीं था। या तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके बाद
कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया, यहाँ से फौजियों को रखकर क्या होगा, भाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का सौंदर्य नाम है सौंदर्य। मन ही मन कहती हूँ जीप आगे बढ़ने लगती है। इस तरीके से ये बहुत ही अद्भुत सौंदर्य से रचा बसा ये पाठ लेखिका महोदय ने अपने मन के उद्गारों को भी प्रकट किया है और बहुत ही अच्छा बताया है। भारतीय सैनिकों की जो जीवन शैली है, पहाड़ों पर पत्थर तोड़ती जो महिलाएं हैं, स्कूल जाते जो बच्चे हैं, उनका सब सौंदर्य बताया है। बर्फ की पहाड़ियों, ये सारी चीजें हैं, हिमालय है, नदी है, झरने हैं, तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। ये क्वेश्चन है, प्रश्न अभ्यास देख लीजिएगा और इस तरीके से हम इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नए पाठ के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जो लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें।